20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 और 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी, बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। राउंड प्लस 2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। सवाल करने वाले युवा शहरी के साथ पूर्व नगर सेवक की दबंगई, कौसा बनपा अस्पताल में हुए आंदोलन के दौरान घटी ये घटना, क्या कहा मौत के मामले पर विधायक अवार्ड ने, वो भी सुनिए। मैं रवि कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। 9 जनवरी को कौसा के हकीम अजमल खान ठाणे मनपा के इस अस्पताल में एक महिला की प्रसूति के बाद, डिलीवरी के बाद मौत हो गई और अब ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। 11 जनवरी को सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब NCP के एक नेता, इन्होंने बकौल जाति हैसियत पर यहां पर आकर के आंदोलन किया अपने माइनॉरिटी समाज के तौर पर और माइनॉरिटी समाज के लिए। वहां उनके साथ फिर भी कई NCP के लोग मौजूद थे, इनमें से ही एक पूर्व नगर सेवक थे जो शायद आजकल दबंगई करने में उन्हें ज्यादा महारत हासिल हो गई है। एक युवा शहरी है, समाज सेवी भी है, उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और बात से पता चल रहा है कि सवाल कुछ किया गया था और उसी से शायद ये पूर्व नगर सेवक जो है उस सवाल पर गुस्सा हो बैठे है या तिल मिला गए हैं। तो बहरहाल कैसे ये दबंगई हुई है इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन के दरमियान, देखिए। सवाल पूछना हर किसी को अखरता है, सवाल करना हर किसी को चुभता है। वहीं इस मौत के बाद कौसा मनपा अस्पताल को लेकर क्या कहा है विधायक जितेंद्र अवार्ड ने, वो भी हम इसी के साथ आपको दिखा रहे परसों मुमरा में जो हॉस्पिटल का हादसा हुआ उसका मुझे दुख है और इस पे राजनीति करने का भी मुझे दुख है। हॉस्पिटल का काम पूरा हो चुका है, टेंडर पूरा हो चुका है, वर्क ऑर्डर देना बाकी है। वर्क ऑर्डर देते समय कुछ लोग हाईकोर्ट में चले गए, पूरा सब काम हो गया है,
हाईकोर्ट ने वर्क ऑर्डर मत दो ऐसे ऐसा इशारा किया है, इसलिए म्युनिसिपैलिटी रुकी हुई है। 15 तारीख को हाईकोर्ट में केस है, वो केस जैसे ही समाप्त होगी 15 तारीख को, 16-17 तारीख को डॉक्टर को आदेश दिया जाएगा और हॉस्पिटल उसके बाद तुरंत शुरू किया जाएगा। ये सच्चाई मैंने म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों से, कमिश्नर से बात करके निकाली और ये मालूमात पूरे अधिकार के साथ मैं मुमरा वासियों के लिए दे दूँ।